हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमूल पेज। जल्दी जल्दी से सब लोग ज्वाइन हो जाइए। आज बहुत समय बाद आने का मौका मिला है। फ्रेंड्स अभी दिख नहीं रहा, आप लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, और जो ज्वाइन आता जाए प्लीज अपने फ्रेंड्स को टैग कर दीजिए। आज हम अमूल पेज पे आए हैं एक बढ़िया सी स्नैक रेसिपी लेके। अमूल पेज पे आने के लिए थैंक्स कहना चाहेंगे अभिषेक सर का, दीपा मैम का, जिन्होंने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी अपन लोग को। जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए सब लोग। कमेंट नहीं दिख रहे किसी के, फ्रेंड्स हाय हेलो करिए जिससे दिखाई दे। प्लीज जो भी ज्वाइन हो गया है हाई हेलो का मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, एंड वॉइस क्लियर है तो वही बता दीजिए। चलिए सब लोग ज्वाइन हो रहे हैं। एक कंफर्म कर दीजिए, एम आई विजिबल एंड ऑडिबल? चलिए हम लोग शुरू करते हैं। माय फर्स्ट रेसिपी इज स्टफ तंदूरी आलू। इसके लिए जनरली हम इसको कच्चे आलू से भी बना सकते हैं, बट इसको हमने बॉईल कर लिया है, इससे इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। और हमें बिल्कुल पार बॉईल करना है, बहुत ज्यादा नहीं करना है। और आप इसको पहले बॉईल करके फ्रिज में ठंडा कर लीजिए, जिससे अच्छे से हमारे जो भी ज्वाइन हो गया है हाई हेलो कर दीजिए प्लीज। किसी के कमेंट शो नहीं हो रहे हैं। आप इसको दो तरह से कर सकते हैं, पहले हाफ कर लीजिए और अदरवाइज हम लोग सेंटर से भी कर सकते हैं, कट फ्रॉम बोथ साइड, एंड फिर यहां से बीच से हॉलो करके भी करेंगे। थर्टी सेवन
इसको हम सेंटर से धीरे धीरे से हम इसके लिए आपके आलू थोड़े टाइट ही होने चाहिए। एक्चुअली कच्चे आलू में थोड़ा ये या तो उसको आप फ्राई कर लेंगे, फ्राई करके बनाएंगे तो बहुत अच्छा आएगा, अदरवाइज अगर आपको बेक करना है तो आप इस तरह से उसको पारबॉइल कर लीजिए तो और अच्छा रिजल्ट आता है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर ज्वाइनिंग, प्लीज शेयर। बारिश का मौसम स्टार्ट हो चुका है, फिलहाल तो गर्मी है, कभी कभी बारिश हो रही है अभी, और इस मौसम में कुछ ना कुछ ऐसा स्नैक टाइप का चाहिए ही रहता है खाने को, तो ये वाली भी आप लोग ट्राई करिएगा, डेफिनेटली बहुत अच्छी लगेगी आप लोगों को रेसिपी। बारिश के मौसम में आप लोग का फेवरेट स्नैक क्या है कमेंट करके बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग बताइए आप लोग कहाँ से हमको देख रहे हैं। ये देखिए हमने सारे कर लिए हैं आलू रेडी। इसके लिए हम फर्स्ट एक मैरिनेशन रेडी करेंगे। हम लेंगे अमूल का दही। इसको आप हंगर के भी यूज कर सकते हैं फॉर बेटर रिजल्ट। थोड़ी सी क्रीम डाल देते हैं। अब इसमें हम सारे स्पाइसेस डालेंगे।
ये है गरम मसाला, आमचूर पाउडर, हल्दी पाउडर, किचन किंग मसाला, कसूरी मेथी, सॉल्ट टू टेस्ट एंड रेड चिली पाउडर। इसे स्पाइस के लिए डालेंगे और कश्मीरी रेड चिली। अब इसको हम अच्छे से व्हिस्क कर लेंगे। थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, इसमें आप चाहे तो पिंच ऑफ ऑरेंज कलर, फूड कलर डाल सकते हैं। पिंच ऑफ कलर डालेंगे। हमारा मैरिनेशन रेडी हो गया है। थोड़ा सा इसमें जाएगा लेमन जूस। जो भी ज्वाइन है हाई लो एक बार कर दीजिए सब लोग। कमेंट करके बताइए। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल कलर आ गया है। ये बिल्कुल मसालेदार रेसिपी बनेगी। अब इसको हम मैरिनेट करने रख देंगे। अगर आपको इसको शाम को खाना है तो हम लोग सुबह इसको अच्छे से मैरिनेशन के लिए इसको सुबह आप करके रख दीजिए, जिससे इसका मैरिनेशन बहुत अच्छे से अंदर तक हो जाएगा। फ्रेंड्स कमेंट नहीं शो हो रहे हैं। हेलो हेलो अवनी जी, ये इसको अब हम ढक के रख देते थोड़ी देर। अब भी अग्रवाल मैम पूछ रही है व्हाट्स कुकिंग। आज हम बना रहे हैं स्टफ आलू। चलिए जब तक ये मैरिनेट हो रहा है तब तक हम लोग तैयारी कर लेते हैं स्टफिंग की।
स्टफिंग के लिए हम लेंगे ग्रीन चिली, ग्रेटेड जिंजर, ये हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स जो भी आप लेना चाहें, और जो हमारा आलू बचा था हम आलू डाल लेंगे, और हम लेंगे पनीर, अमूल का मलाई पनीर। पनीर अमूल के बारे में कौन ऐसा शख्स होगा जो नहीं जानता है। ये पनीर देखिए क्यूब्स में है, इसको हम संतारी राई हाई कह रही है। हेलो, अब इसमें हम डालेंगे स्पाइसेस, थोड़ा सा सॉल्ट जाएगा, ब्लैक पेपर पाउडर, चाहें तो आलू यूज करें, अदरवाइज आप पनीर से भी कर सकते हैं खाली। हमारी स्टफिंग रेडी हो गई, अब हम बना दें स्टरी। एक बाउल में हम ले लेंगे मैदा या कॉर्नफ्लोर, थोड़ा सा डालेंगे सॉल्ट, और यहां भी आप चाहें तो पिंच ऑफ कलर डाल सकते हैं, इट्स टोटली ऑप्शनल। हेलो कविता जी, आप लोग के यहाँ वेदर कैसा है, किसके यहाँ बारिश हो रही है? हमारे यहाँ तो फिलहाल गर्मी बहुत है, उमस ज्यादा हो गई है, और इसको हम थोड़ा सा पतला ही रखेंगे। कविता गोयल मैम कह रही है वाओ, वीना मंगलानी मैम कह रही है क्या बना रहे हो? हम बना रहे हैं स्टफ आलू टिक्का, स्टफ तंदूरी आलू। हम लोग गैस गर्म करने रख देते हैं कढ़ाई। कविता गोयल मैम भी पूछ रही है क्या बन रहा है। कविता गोयल मैम कह रही है गर्मी है बहुत, अभी बारिश आई नहीं है। देखिए गर्मी का असर चेहरे पे दिखाई देता है। वीना मंगलानी मैम कह रही हैं हमारे यहाँ भी बहुत बद है, उमस है, उमस है। कविता गोयल मैम कह रही हैं सो ब्यूटीफुल डियर, थैंक यू।
इसको हम लोग एक बार ऐसे फ्राई कर लेंगे, उसके बाद हम लोग इसमें स्टफिंग भरेंगे। सब लोग कमेंट भी करते रहिए। कविता बोल कह रही है माय फेवरेट। यस कविता जी, ये सभी के फेवरेट है, सबको बहुत पसंद आता है।
ये हमारे ब्राउन हो चुके हैं, अब इनको हम निकाल लेंगे। जब तक ये ठंडे हो रहे हैं तब तक चलिए हम अपनी दूसरी रेसिपी रेडी करते हैं। आज हमने यूज की है अमूल की व्हिपिंग क्रीम। और जैसा कि आम का सीजन चल रहा है तो हमने सोचा पाइनएप्पल की जगह आज आम का सूफले आपको बना के दिखाएं। बहुत ही मजेदार डेजर्ट है ये, खाने के बाद बिल्कुल आपको आइसक्रीम का फ्लेवर देगा। इजी टू प्रिपेयर है, जस्ट मिनटों में बन जाती है। उसके लिए आप लोग सबसे पहले अमूल क्रीम को व्हिप करेंगे। उसको हमने पहले से व्हिप करके रख दिया है। अब हम इसमें एक बाउल में लेंगे हम व्हिपिंग क्रीम। ये जितनी आपको चाहिए आप उतनी बना सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे, हमने इस कंडेंस मिल्क और मिल्क को थोड़ा सा मिक्स कर लिया है। एज पर टेस्ट इसमें ऐड करेंगे हम। अब इसमें हम डालेंगे मैंगो प्यूरी। और आप मैंगो ये ऑफ सीजन भी बना सकते हैं, अगर आपके पास मैंगो प्यूरी नहीं है तो आप डेफिनेटली मैंगो एसेंस डाल सकते हैं। मेरे पास ये इमल्शन है मैंगो का फॉर फ्लेवर एंड कलर। इसमें हम डालेंगे कुछ मैंगो चंक्स। देखिएगा ठंडी है तो क्रीम, गर्मी है तो क्रीम मेल्ट हो रही है। नाउ इट्स रेडी, इजी टू प्रिपेयर। इसको डेकोर कर लेते हैं। देखिए कितना बढ़िया मिनटों में रेडी होने वाला डेजर्ट। और गर्मियों में बहुत मजा आता है, इसको आप कोई भी फ्लेवर में बना सकते हैं। इवन इसको आप थोड़ा सेट कर देंगे तो ये बच्चों के लिए आइसक्रीम का टेस्ट भी देगा।
ऊपर थोड़ा सा इस बैच इसमें आप ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, बाकी आपकी चॉइस है, आप कुछ भी डाल सकते हैं। और फ्रेंड्स इसको जरूर ट्राई करिएगा और बताइएगा ये आपको कैसा लगा। आप इसी तरह पाइनएप्पल का भी बना सकते हैं। मैंगो सीजन था इसलिए हमने कहा चलिए मैंगो का ट्राई कर लेते हैं। ये देखिए फैंसी बनाने के लिए हम थोड़ा सा स्प्रिंकल्स कर देंगे सिल्वर बॉल नॉट स्प्रिंग। ये देखिए हमारा एक डेजर्ट रेडी हो गया मैंगो का। चलिए अपने आलू पे आते हैं लोग। अब हम इनमें स्टफिंग भर देंगे। आई होप आप लोगों को रेसिपी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो प्लीज फ्रेंड शेयर करिए और कमेंट करके बताइए। फ्रेंड्स इसके दो तरीके हैं, आप चाहे तो स्लरी में डिप करके इसको फिर से फ्राई कर सकते हैं। इफ यू वांट डोंट वांट टू फ्राई देन वी विल बेक इट।
हम इसको बेक कर सकते हैं, एयर फ्राई कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इसको, वो ज्यादा हेल्दी हो जाएगा। चलिए अपन लोग बेक ही कर लेते हैं। और इसको टेस्टी बनाने के लिए आप इसमें मोज़रेला चीज भी यूज कर सकते हैं, बच्चों को पसंद है तो मोज़रेला चीज डालिए, हम प्रोसेस चीज डाल लेंगे। चीज तो घर में होना कंपलसरी हो गया, तो हर चीज में बच्चों को हर चीज में हर टाइप की चीज चाहिए, कुछ भी बनाओ उसमें चीज का फ्लेवर ऐड कर दो, बच्चों का फेवरेट हो जाता है। और इतने इजी डेजर्ट्स, इतने इजी स्नैक्स हो गए हैं कि बच्चे झटपट खुद भी बना लेते हैं। अब चीज स्लाइस भी डाल सकते हो, ऊपर से इसको कवर हो जाएगा ये, और मसाला चीज भी डाल देंगे थोड़ी सी। ऊपर से थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और सीजनिंग डाल दी, नया टेस्ट आ जाएगा। सीजनिंग डाल देंगे थोड़ी सी, इसको हम बेक करने रख देंगे। और 10 मिनट्स तो फ्रेंड बताइए आपको कैसी लग रही है रेसिपी। हाय फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को रेसिपी पसंद आ रही होगी, और पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपीज के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुक विद नंदनीज किचन। बस 10 मिनट का टाइम और जब तक हमारी रेसिपी रेडी हो जाती है। और इस रेसिपी के साथ आपको क्या खाने का मन कर रहा है? है तो शाम का समय, टी टाइम है, टी लवर्स तो डेफिनेटली टी पीना पसंद करेंगे, और आपको क्या पसंद है आप बता सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप ना इसी आलू को एज अ स्टार्टर ले सकते हैं, और इसी आलू को आप एज अ मेन कोर्स भी ले सकते हैं, जिसमें आप अपना इसमें ग्रेवी बनाकर उसको उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा स्नैक मेन कोर्स भी आपका रेडी हो जाएगा।
पसीने और मुझे कुछ ज्यादा ही पसीने आता है। आप लोग का क्या हाल है? हेलो रेनू जी, आज हमने बनाए हैं स्टफ तंदूरी आलू विथ मैंगो सूफले। देखिए फ्रेंड्स कितना यमी डिलीशियस लग रहा है। इसको फ्रिज में रख के और कम से कम 5-6 घंटे जब चिल हो जाए तब इसको खाइए, बहुत मजा आएगा। आप इसको जरूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको रेसिपीज कैसे लगी हैं। चलिए जब तक क्लीन कर ले, रेडी हो रहा है जब तक। हमारे यहाँ से तो डिमांड आने लग गई चाय बनाने की। आप लोग भी जल्दी से जाइए इस रेसिपी को ट्राई करिए और शेयर करिए, हमको टैग करिए। थैंक यू रेनू जी। बस हमारे आलू के रेडी होने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स चीज मेल्ट हो रही है एंड नाउ आवर स्टफ तंदूरी आलू इज रेडी। कैसा लग रहा है आपको कमेंट करके जरूर बताइए और आपकी कोई भी क्वेरी है किसी चीज से भी रिलेटेड है आप पूछ सकते हैं। नाउ वी सर्व इट विद एनी चॉइस ऑफ योर सॉस। तो लीजिए फ्रेंड्स हमारी दोनों डिशेस बन के रेडी हैं, स्टफ तंदूरी आलू एंड मैंगो सूफले। थैंक्स टू एवरीवन जॉइनिंग माय लाइव सेशन। आई होप आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी और आई वुड लाइक टू थैंक्स टू वंस अगेन अभिषेक सर एंड दीपा मैम और आप सभी का जिन्होंने मेरे लाइव को ज्वाइन किया। आपको पसंद आई हो रेसिपी तो डेफिनेटली शेयर करिए और बना के टैग करिए हमको। बाय।